आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं, वो किस तरीके से लाए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अगर कभी आपका फ्रेंड या कोई भी चीज़, कोई भी दोस्त या कुछ भी अचानक आपके आइकन के सारे डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर या कुछ भी गायब हो जाए, वो किस तरीके से लाते हैं वो आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और किस तरीके से गायब करते हैं या किस तरीके से लाते हैं वो भी इस चीज़ यहाँ आपको बताया जाएगा, ठीक है। और ये देखो किस तरीके से आपका सारा यानी कि पूरी स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो चुकी है। तो ये कैसे हुई और कैसे लाया जाता है, और ये या फिर हम माउस लाते हैं और जैसे ही हटाते हैं चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर नए लोगों में आ जाती है। तो ये कैसे दूर होती है वो आज सीख लेते हैं, और इसमें आपको स्क्रीन को जूम और जूम इन जूम आउट कैसे होता है, कोई भी फ़ोटो स्क्रीन को आपको पूरा जूम करना है वो कैसे होता है, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन को सही से चलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर रोज़ एक डेली वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए अपने इस चैनल पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन जो बिल्कुल ब्लैंक है, और यहाँ पर ये भी नीचे टास्क बार जो हमारी होती है वो भी गायब हो चुकी है। तो किस तरीके से लाते हैं, अगर हम माउस लाते हैं तो ये आ जाती है, माउस जैसे ही हटता है चली जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को हम लाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, इसी पर जैसे ही माउस रुकेगा राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँगे। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा होगा ऑटो हाइड टास्क बार। यहाँ से हमको ये जो टिक लगा हुआ है इसको सिर्फ हटा देना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है बस, और ओके कर देंगे। अब हमारी ये जो नीचे की थी विंडो वाली जिस पर सारे आइकन हमारे थे ये रुक चुकी हैं। अब इस पर माउस ले जाएं या कुछ भी करें, आपकी रुकी हुई है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप सीख लेते हैं विंडो को अपने जूम कैसे करते हैं। तो विंडो को जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से आप प्लस, ये देखो ठीक है, प्लस किया। अब अगर माइनस करना है तो विंडो प्रेस करेंगे और माइनस, ये माइनस हो गई, प्लस हो गई, ठीक है। ये देखो ये माइनस प्लस आप कर सकते हैं, ये मैग्नीफायर है, जहां का भी आपको माइनस करना है वहां से माइनस कर सकते हैं या फिर यहां से प्लस। तो कीबोर्ड से आपने सीख गया विंडो प्लस करके आप जूम कर सकते हैं, और आउट कर सकते हैं माइनस से, विंडो माइनस से, ठीक है। उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे, यहां पर आएंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक, मैग्नी ओपन हो जाता है। और उसके बाद आप जो ये इस यानी डेस्कटॉप के जो स्क्रीन के आइकन थे वो गायब हो चुके हैं, वो किस तरीके से वापस आते हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू पर, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे शो डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। शो डेस्कटॉप आइकन वाले पे हम एक बार क्लिक कर देंगे तो सारे आइकन हमारे आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। अब बट एक आइकन हमारा देखो इधर है, ये यहाँ पर क्यों नहीं आया, लाइन से क्यों नहीं लगा, तो ये भी सीख लेते हैं। कभी कभी हो जाता है कि आइकन हमारे इधर ऐसे एक पड़ा हुआ है, एक आइकन ऐसे पड़ा हुआ है और एक आइकन एक से पड़ा हुआ है, तो ये किस तरीके से ठीक होते हैं इनको भी सीख लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, एक केक को आप उठा के रखेंगे वो भी सही से नहीं। तो यहाँ से सिंपल तरीका है, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय यहाँ पर नेम लिखा होगा, नेम पर क्लिक कर देंगे। अब नेम वाइज आपके सारे आइकन यहाँ पर लग चुके हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको अगर यानी कि साइज़ वाइज लगाना हो तो यहाँ से साइज़ पर क्लिक करेंगे, जिस हिसाब से आपके साइज़ होंगे उस हिसाब से लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आइटम टाइप, तो यहाँ से आइटम टाइप कर देंगे तो जो आपका माई कंप्यूटर है सबसे ऊपर हो जाएगा और बाकी आइकन अपने टाइप के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, कुछ इस तरीके से आप अपने फोल्डर का लुक चेंज कर सकते हैं, उस पर फ़ोटो या कुछ भी एक एट्रैक्टिव सा लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम
राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे, चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी जो आप आइकन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते, ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा 4.6 वाले पर जो फोल्डर बना था, एक ओल्ड सा फोल्डर, उसको नए लुक में हमने फोल्डर चेंज कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमको डेस्कटॉप पे अपने इस डेस्कटॉप पर वॉलपेपर लगाना है, ये तो हमारे लैपटॉप ही का एक थीम है, तो किस तरीके से हम अपना फ़ोटो लगा सकते हैं अपने यानी डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये लगा हुआ है, ठीक, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर, ठीक, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड वाले पर क्लिक करेंगे, ये आपके जो डेस्कटॉप पे फ़ोटो होंगे अगर वो लगाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके सेव कर देंगे और ये आ जाएगा, ये देखो लग गया चेंज होके, ठीक है। तो हमको अगर अपना फ़ोटो लगाना है तो इसी पर जाएंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी अपने फ़ोटो जहाँ पर रखा हो, ठीक है। यहाँ पर गए डेस्कटॉप पर, हमारे कोई फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट होके ये देखो फ़ोटो आ चुके हैं, ठीक, यहाँ पर बस सेव कर देंगे, आपके सारे फ़ोटो यहाँ से लग जाएंगे, ठीक है। एक साथ आपके यहाँ से 30 मिनट लगा हुआ, 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये फ़ोटो बदलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर सिर्फ एक फ़ोटो लगाना है तो यहाँ पर देखो सब पर टिक है, ठीक है, यहाँ पर आपका सब पर टिक है, ठीक, और यहाँ से सारे जितने फ़ोटो हैं सारे पर टिक है, तो ये एक साथ सारे फ़ोटो चलेंगे। इन पर सिर्फ एक फ़ोटो अगर आपका चल रहे और सारे ना रहें तो यहाँ से आप क्लियर ऑल कर देंगे और जो सा फ़ोटो आपको लगाना हो, ठीक है, उस पर आप टिक कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है, सेव हो गया, ये देखो यहाँ पर शो कर रहा है, इसको कट करेंगे। अब ये देख सकते हैं हमारा फ़ोटो लग चुका है डेस्कटॉप पे, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ पॉइंट आपको नए सीखने को मिले होंगे, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर पर डेली एक वीडियो लाते रहते हैं आपकी नॉलेज के लिए, जो आपकी नॉलेज को और बढ़ा देगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।